तरन तारण जिले अधीन आउंदे थाना सरहाली नूं रॉकेट लॉन्चर दे नाल निशाना बनाउंदे हुए हमला कीते जाण दी खबर प्राप्त हुई है। हालांकि इस हमले तो बाद किसी का कोई जानी नुकसान न होने की सूचना भी प्राप्त हुई है। इस हमले तो बाद जिले के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मिली जानकारी अनुसार बीती रात करीब 1 बजे अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे तो मौजूद पुलिस थाना सरहाली से रॉकेट लॉन्चर दाग दिता गया जो कि थाने अंदर मौजूद सांझ केंद्र ते जड़ गया, जिस कारण इमारत दे शीशे टूट गए अते कंधां नूं भी नुकसान होया। सांझ केंद्र विच उस वेले कोई भी मौजूद नहीं सी। हमले दे दौरान थाने विच ड्यूटी अफसर सने कुछ होर पुलिस मुलाजम मौजूद सन, जिन्हां दा कोई भी नुकसान ना होने संबंधी खबर मिली है। हमले तो बाद जिले दे SSP गुरमीत सिंह चौहान समेत होर आला अधिकारियों ने मौके ते पहुंच के थाने दी घेराबंदी करदे हुए इलाके नूं पूरी तरह सील कर दिता है। अत्तवादी हमला होने की संभावना भी जताई जा रही है, पर इस बाबत कोई भी अधिकारी जानकारी देने नूं फिलहाल तैयार नहीं है। तुहानूं दस दईए कि इस घटना तो पहला मोहाली दे CIA पुलिस स्टाफ दे हैडक्वार्टर नूं भी RPG लॉन्चर दे नाल अटैक किया गया सी। तो उस तो बाद ए दूजी वड्डी घटना अज तरन तारण जिले दे सरहाली थाने दे कोल वड्डी वापरी है, जिस नूं लैके आला अधिकारी मौके ते पहुंच गए हन अते बड़े बरीकी दे नाल जांच कीती जा रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।